अब शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। अब आगे, मिस्टर फर्नांडिस गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ करने की? पहले उसका रेप किया और आज उससे जबरदस्ती शादी कर ली? विहान गुस्से से, उस रात जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। मेरे बिजनेस प्रतिद्वंदी मुझे एक स्ट्रोंग ड्रग्स दिया था और मुझे कुछ लड़कियों के बीच फंसा दिया था। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। आपकी बेटी का कमरा खुला था, मैं बस कमरा लॉक करके उसे शोर मचाने से रोक रहा था और जो हुआ वो उस ड्रग्स की हाई डोज की वजह से हुआ था। आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। जब मेरा मोबाइल बजा तब मेरी आंखें खुली। मुझे लगा मैं उन लोगों के ट्रैप में फंस चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। यकीन कीजिए, मैंने एमी को देखा भी नहीं था और अब जब मुझे मेरी भूल पता है तो मैं एमी और बच्चों को अपना सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। वो बच्चे मेरे हैं, इतने सालों से उन्हें मैंने पाला है और आपने तो उन्हें यहाँ भिजवा दिया था, पर मैंने कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है और ऐसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि आपकी बेटी मुझ पर भरोसा करे और पैनिक ना करें। बच्चों के साथ कौन उसे अपनाएगा? आप फिक्र मत करो, मैं उसे कभी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। और हाँ, कल चर्च में हमारी शादी है, आप और जेम्स भी इनवाइटेड हैं। मिस्टर फर्नांडिस ने यहाँ आते समय ही विहान वरदान के बारे में पता किया था। वो यहाँ के बड़े बिजनेसमैन में से एक था। उनको अपनी बेटी के लिए फिलहाल यही फैसला सही लगता है। वो मान जाते हैं, कुछ ही देर में उन लोगों के लिए गेस्ट रूम खोल दिए जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इस वक्त उनके महल जैसे घर में थे। मिस्टर फर्नांडिस वहीं खड़े थे, तभी वहां विहान के कड़क आवाज़ सुनाई देती है। मेरी पत्नी के लिए आज तक का बेस्ट वेडिंग गाउन तैयार करो, आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं, शादी कल चर्च में है, कल वो सबसे बेस्ट दिखनी चाहिए। पीछे से लव कुश एमी का हाथ पकड़े हुए वहीं आते हैं। डैड, ईस्ट और वेस्ट, माय मोम इज बेस्ट। बच्चे एमी को विहान के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। आप लोग इनके लिए कैजुअल आउटफिट लाए हैं? उनमें से कुछ असिस्टेंट जी सर और काफ़ी सारी ड्रेसेस एमी के सामने रख देते हैं। विहान, आप किस तरह के कपड़े पहनती हैं? आप सेलेक्ट कर लीजिए। एमी अपनी टूटी फूटी हिंदी में, घर पर टी शर्ट या सिंपल फ्रॉक शर्ट जीन्स, कोई भी चीज़ मैं पहन सकती हूँ। विहान, ओके ठीक है, वो असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट काफ़ी सारा नया कलेक्शन एमी के सामने रख देता है। एमी सिर्फ कपड़े देखती ही रह जाती है, वो सब लिमिटेड एडिशन था। लव कुश आते हैं, अपनी माँ की मदद करते हैं, विहान से भी कहते हैं, वो सिर्फ इतना ही कहता है, सभी कपड़े ऊपर अलमारी में रखवा दो। एमी को कुछ समझ नहीं आता, पर वो असिस्टेंट सब समझ जाती है। वो शूज़ का कलेक्शन सामने रखते हैं, वो सब देखता है। एमी, आप कौन से शूज़ पहनती हैं? एमी छोटा सा जवाब देती है, हर टाइप का। विहान असिस्टेंट से कहता है, हर ड्रेस का मैचिंग शू भी इनकी वार्डरोब में होना चाहिए, मेरी बीवी की बाकी ज़रूरतों की चीज़ें भी कमरे में सेट करवा दीजिए, समझ गए? वहाँ आए हुए असिस्टेंट हाँ में सर हिलाते हैं। विहान अपने असिस्टेंट से, मैडम का फ़ोन, यस सर रेडी है, वो एक फ़ोन एमी के हाथ में देता है। विहान, आज से ये आपका मोबाइल है, आप जहाँ भी जाएंगी आप इसे कैरी कर सकती हैं, इसमें मेरा और मेरे असिस्टेंट का नंबर पहले ही फीड किया गया है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे कह सकती हैं। आप खाने का टाइम हो गया है, चलिए खाना खाते हैं। सभी लोग डाइनिंग हॉल में आते हैं। विहान
परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बैठ जाता है। एमी को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करता है। बच्चे सामने बैठ जाते हैं। जेम्स और मिस्टर फर्नांडिस भी एक कुर्सी पर बैठ जाती हैं। विहान एमी से, आपको खाने में क्या पसंद है? लव कुश, जो हमें पसंद है। ठीक है, आज आप हमारी पसंद का खाना खा लीजिए, कल हम आपकी पसंद का खाना पसंद करेंगे। एमी सिर्फ एक फीकी सी स्माइल करती है और सब चुपचाप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विहान एमी को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाता है। आप पहले फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकालता हूँ। एमी, ठीक है। एमी कुछ देर बाद अपना बाथरोब पहनने के बाद बाहर आई, आकर बिस्तर पर से अपने कपड़े उठाए। विहान बस उसकी खूबसूरती में ही खोया हुआ था। तभी पीछे से लव कुश आते हैं। विहान एमी की तरफ से अपनी नजरें हटा के उनकी तरफ करता है। डैड, हमें भी फ्रेश होना है। विहान, लेट्स गो। वो सब वॉशरूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों अपने बाथरूम में बाहर आते हैं। विहान अपना ढीला टी शर्ट और लोवर पहनकर लव कुश को भी तैयार करता है। तभी एमी आकर लव को रेडी करती है। विहान की नजर फिर से एमी पर चली जाती है, जो इस वक्त एक क्यूट डॉल लग रही थी। विहान एमी से, आप मेरे साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल हैं या मैं दूसरे रूम में चला जाऊं? एमी सिर्फ इतना कहती है, कोई समस्या नहीं है मुझे। बिस्तर की एक तरफ विहान था, दूसरी तरफ एमी, बीच में उनके बच्चे जो आज बहुत खुश थे। पर विहान और एमी को नींद नहीं आ रही थी। विहान, कॉफ़ी पियोगी? एमी, हाँ क्यों नहीं। विहान फ़ोन करके कॉफ़ी कमरे में मंगवाता है। दोनों सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए एक दूसरे से बात करने की कोशिश शुरू करते हैं। विहान एमी से, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? एमी, मैं और डैड। विहान, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। एमी, वाह, काफ़ी मज़ा आता होगा ना? विहान, ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली एक ट्रेडिशनल फैमिली है जिसमें मोम, डैड, भाई, बहन, दादी, बहुत से लोग हैं, पर अब हम साथ नहीं रहते, इसीलिए लव कुश और आप ही हो मेरी फैमिली। एमी, क्यों, क्या हुआ था? क्या आप कंफर्टेबल हैं? बता दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। विहान, वो बच्चों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और ये मेरे बच्चे थे, मैं उन्हें कैसे छोड़ देता, इसलिए सबको छोड़ दिया। एमी, आई एम सॉरी। विहान, डोंट बी सॉरी, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने आपके साथ जो किया वो ड्रग्स के नशे में किया था। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, वो एक ट्रैप था जिसमें आप गलती से जख्मी हो गई। एमी, इट्स ओके, मेरे बच्चे जिंदा और सही सलामत हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। विहान धीरे से एमी को अपने गले लगाता है। एमी भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। कुछ देर बाद करके दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह विहान उठकर अपनी जिम की तरफ चला जाता है। एक घंटे की एक्सरसाइज के बाद वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और बच्चों को उठाता है। बच्चे, बस 5 मिनट और, मैं भी जागता हूँ। एमी, 5 मिनट और डैड, विहान खुद से कहता है। बच्चे, माँ की ही कॉपी है। वो उन्हें उठाता है। नहीं, और 5 मिनट, हमें मंदिर जाना है पूजा के लिए, उठो। एमी को अब एहसास होता है वो अपने घर पर नहीं थी, वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, आई एम सॉरी, वो मेरे डैड भी मुझे ऐसे ही जगाते हैं, इसलिए मैं कल से ध्यान रखूंगी। विहान, इट्स ओके, पर मुझे सुबह जल्दी उठने वाले लोग पसंद हैं। एमी सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाती है। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ, आज पूजा है, हमें मंदिर जाना है।
एमी नहाकर बाथरोब पहन के बाहर आती है। विहान ने एक साड़ी बिस्तर पर रखी हुई थी। एमी वो देख के डर गई। विहान ने अब तक बच्चों को तैयार कर दिया था। दूसरे रूम में जाकर विहान उसके पास आया। क्या हुआ है? एमी, वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। विहान, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, ये कहकर वो साड़ी उठाकर उसका एक पल्ला एमी के ऊपर रखता है और दूसरा सिरा कमर में खींच देता है। इस वक्त दोनों काफी करीब थे। विहान ने साड़ी पहना के पल्ला सेट करके पिन अप कर दिया और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर दिया। हाथों में चूड़ियां, कमर में कमरबंद, कानों में छोटे से झुमके। वो बहुत प्यारी लगती है, वो रेड साड़ी में। एमी, कुछ और भी बाकी है? विहान, वहीं रखा हुआ काजल उठाता है, एमी के कानों के पीछे लगाता है, इससे नजर नहीं लगेगी। और दोनों कमरे के बाहर आते हैं। सब उन्हें एक साथ आता देख शॉक्ड। तो दोस्तों, क्या होगा इनकी कहानी में? आगे जानने के लिए मेरी कहानी फॉलो करें। आपकी दोस्त शिल्पा के साथ। आपको ढेर सारी कामयाबी मिले। कल जरूर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।